हेलो, देखिए ये इलेक्ट्रोडायनामेटर टाइप वाटमीटर के बारे में अपन देखेंगे कंपटीशन एग्जाम के पर्पस में कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, ये बता रहा ये टॉपिक इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी बार रिपीट भी होता है। ठीक है, ये पूछा गया डायनामेटर टाइप वाटमीटर कैन बी यूज ऑन, तो इसका आंसर होता है एसी और डीसी दोनों पे ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे वन बाय वन और वे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रोडायनामेटर टाइप वाटमीटर है ना, बेसिकली अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसको ये एक मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है ना, ठीक है, वो बनाई जाती है कॉइल से करंट पास करा के। जैसे परमानेंट मैग्नेट में होता ना, उसमें परमानेंट मैग्नेट से बनाई जाती है, लेकिन इसमें क्या बनाई जाती है, ऑपरेटिंग कॉइल से करंट पास करा के बनाई जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है एसी के लिए, इसलिए ये क्या एसी में भी काम आती है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे देखते हैं प्रिंसिपल। वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स एंड ड्यू टू दिस फोर्स डिफ्लेक्शन ऑफ कंडक्टर टेक प्लेस। ये अपन ने 12th क्लास में फंडामेंटल पढ़ रखा है। ठीक है, मोटर का भी यही प्रिंसिपल होता है, वेन एवर देर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, अब आप इसका कंस्ट्रक्शन देखो। देखो ये इसका सर्किट डायग्राम बनाया है और यही अपन को समझना जरूरी है। फिक्स्ड कॉइल लग रखी है, फिक्स्ड कॉइल एक नहीं, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। ठीक है, और ये दोनों पार्टों को उस कनेक्ट किया गया है लोड के साथ सीरीज में। अब इसको आप सोचोगे फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, ताकि जो लोड करंट है जो इसके थ्रू फ्लो होगा, क्योंकि ये लोड के साथ सीरीज में है तो लोड करंट इससे होके फ्लो करना है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा लोड ना पड़े एक कॉइल पे, तो इसको क्या करा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसको लगाया इस लोड के साथ सीरीज में। ठीक है, अब देखो ये है मूविंग, ये पोटेंशियल कॉइल या फिर अपन इसको प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ये लग रखी है पैरेलल में लोड सप्लाई के अक्रॉस, है ना, लोड के अक्रॉस। तो ये जो कॉइल है इसके साथ एक सीरीज रजिस्टर भी लगा है। ठीक है, ये इसलिए लगा है कि करंट को लिमिट करे इसके अक्रॉस, मतलब करंट को मिनिमम वैल्यू पे रखे। ठीक है, इसलिए इसको क्या इसके साथ एक सीरीज रजिस्टर भी लगाया गया। तो ये क्वेश्चन आए तो ये भी अपन को पता होना चाहिए। और इसमें जो करंट बहता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो लोड के वोल्टेज के, लोड के वोल्टेज के प्रोपोर्शनल इसमें करंट फ्लो करता है। और फिर इस मूविंग कॉइल के अक्रॉस ही से कनेक्टेड है स्केल लगा रखी है। ठीक है, और ये पॉइंटर है। ठीक है, वो अपन आगे देखते हैं। टू पार्ट्स होते हैं, पहला होता है मूविंग कॉइल। ठीक है, मूव्स द पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। ये जो मूविंग कॉइल लगी है, ठीक है, ये इस पॉइंटर को मूव करता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। अभी भी इसके बारे में भी देखेंगे अपन। ठीक है, देखो टू अवॉइड हीटिंग लिमिटेड करंट फ्लो थ्रू इट सो एज हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल। अभी मैंने बताया वो जो सीरीज रजिस्टर लग रहा है यहाँ पे, ये किस लिए लग रहा है, ताकि करंट को लिमिट किया जाए इसके अक्रॉस आने में, है ना, ताकि हीटिंग ना हो ये जले ना। फिर जो जो कोर है उसकी वो एयर कोर है। एयर कोर किस लिए, क्योंकि हाइस्टेरेसिस लॉस को कम किया जाए, क्योंकि एसी सप्लाई भी आएगी इसमें डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में। ठीक है, पावर मेजर करने के लिए तो एयर कोर का काम लिया गया ताकि हाइस्टेरेसिस लॉस कम से कम हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है। अब ये देखो थर्ड पॉइंट, इट वर्क एज प्रेशर कॉइल देन कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज दस द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोपोर्शनल टू इट वोल्टेज। अब जैसे बताया ना वोल्टेज कॉइल, ठीक है, जो अपनी ये जो मूविंग कॉइल है, सॉरी मूविंग कॉइल जो है वर्क एज अ प्रेशर कॉइल या फिर मैं बोलूँ पोटेंशियल कॉइल की तरह काम करती है, और इसको वोल्टेज के अक्रॉस लगाया गया है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लोड वोल्टेज के। देख लो आप वापस यहाँ पे, ठीक है, ये जो मूविंग कॉइल है, ठीक है, इसको वर्क किस काम में लिया गया, एज अ प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, इसको लोड के अक्रॉस लगाया गया है और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, लोड वोल्टेज के। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो फिक्स्ड कॉइल मतलब करंट कॉइल, इसमें बताया गया डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड देयर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, लोड करंट इज फ्लो थ्रू इट। तो मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कॉइल को मतलब करंट कॉइल, ठीक है, उसको कनेक्ट किया गया लोड के साथ सीरीज में। देखो करंट सेम रहेगा तो सीरीज में, ठीक है, और किस लिए डिजाइन किया गया, ताकि ये जो लोड करंट है वो इससे होता हुआ फ्लो करे। ठीक है, सीरीज विद द लोड करंट फ्लो इट। अब इसके टू पार्ट है, कैरी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, ताकि दो पार्ट में ताकि अच्छा सा करंट फ्लो कर सके, डैमेज ना हो, ये कॉल्ड इसको करंट कॉइल भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कंट्रोल सिस्टम देखो, ओनली स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड। ठीक है, अब जो कंट्रोल सिस्टम इसमें यूज करता है उसके पॉइंटर के मूवमेंट के लिए, इसमें सिर्फ स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम
यूज होता है, ठीक है। अब ग्रेविटी सिस्टम नहीं यूज होता, ठीक है, इसमें ये वाली बात भी याद रखनी है, पूछा जाता है। अब ग्रेविटी सिस्टम क्यों नहीं यूज होता है वो भी पूछा जाता है, बिकॉज देयर विल बी एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एरर। ग्रेविटी सिस्टम में एरर्स की संभावना ज़्यादा हो जाती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ग्रेविटी सिस्टम इसमें यूज नहीं किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम इसका है, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम काम में लिया जाता है, ठीक है। अब डैम्पिंग, ठीक है, डैम्पिंग मतलब जो ऑसिलेशन होता है वो पॉइंटर का, उसको कम करना, ठीक है। अब फ्रिक्शन डैम्पिंग इसमें यूज़ की जाती है ना, ठीक है, फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ की जाती है। एडी करंट डैम्पिंग को यूज़ इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये क्या करती है, जो ऑपरेटिंग फील्ड बनेगी, ठीक है, उसको ये डिस्टॉर्ट कर देगी, मतलब बिगाड़ देगी, है ना। और ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड डज इट मे लीड टू एरर। अब जब वो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अगर ये एडी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये उसके क्या फेस ऑपोजिशन में जाती है, तो ये उसको डिस्टॉर्ट कर देती है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या है, एडी करंट डैम्पिंग काम में नहीं ले जाती है। मैंने बताया ना आपको, जो इसमें जो ऑपरेटिंग फील्ड बनती है, ठीक है, डैम इसमें क्या बोलते हैं मूविंग इसमें डायनोमीटर में, वो किससे बनती है, करंट को कॉइल के थ्रू पास करा के, ठीक है। तो अगर एडी करंट भी होगा तो फिर वो उसको डिस्टॉर्ट करेगी, ठीक है, दोनों फेस ऑपोजिशन में जाएंगे। अब जो इसकी स्केल होती है ना वो होती है यूनिफॉर्म। ये वाला क्वेश्चन भी आता है, जो मूवी जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वॉटमीटर है उसकी स्केल क्या होती है, यूनिफॉर्म स्केल होती है, ठीक है, नोट। फिर ये देखो, दे कैन बी यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी क्वांटिटी, एज स्केल इज कैलिब्रेटेड फॉर बोथ। दोनों एसी और डीसी के लिए यूज़ की जाती है। सिंपल सा याद रखना, परमानेंट मैग्नेट डीसी के लिए इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो परमानेंट मैग्नेट से बनाई जाती है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जैसे चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो वो जो नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा करंट का, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होती है, शुरुआत में पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव, नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज होते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज कर जाएगी, ठीक है। इसका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क देख लो, वो होता है वी आई कॉस फाई, अपने ज़्यादा इसमें मतलब का नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्शन टॉर्क वी आई कॉस फाई। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरी रियल पावर को मेज़र कर लेता है ये वाटमीटर, ठीक है। वी आई कॉस फाई मतलब रियल पावर होती है, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसके पावर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए भी यहाँ से ये जो रीज़न है वो ये इसके लिए भी दे सकते हैं यूनिफॉर्म स्केल के लिए, क्योंकि डिफ्लेक्शन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है, तो स्केल क्या बनेगी, लीनियर बनेगी। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसके बारे में जितनी भी हो सके नॉलेज सारी दे दी आपको। थैंक यू।